उज्जैन जिले के नागदा के समीप ग्राम सिमरोल में रहने वाले आशाराम के घर एक ही मीटर पे दो बिल आ रहे हैं, जिसकी शिकायत आशाराम ने एमपीबी को कई बार कर चुके हैं, लेकिन एमपीबी की लापरवाही से कोई भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। उसी गांव के रहने वाले जुंझार सिंह का कहना है कि मैंने 200 रुपए प्रति माह का बिल करवाया था, परंतु मेरा बिल फिर भी बढ़कर आ रहा है। इसकी शिकायत कई बार कर चुका हूं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती। अब मेरा बिल बढ़कर 2700 रुपए हो चुका है, जिस पर एमपीबी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। टीवी लगाई थी 10 रुपए वाली, वो फिर उसके लिए क्या, उसका क्या, वो क्या आया उसका रिजल्ट? जो हो जाएगा माफ हो जाएगा, वो एक ही बिल बंद हो जाएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, तो नहीं आया। फिर मैंने रेगुलर एक बिल भरता रहा, हाँ, सबका फिर माफ हुआ ना। इनमें एक महीने का बिल भी माफ नहीं हुआ। मैंने बोला कि सरकार चोर के साथ है, मैंने भरना बंद कर दिया। अब मेरे भी 2700 रुपये ही हो गए, 2700-2800 करीब। अच्छा, मैंने भरना बंद कर दिया, अपना भी कभी माफ हो जाएगा तो नहीं हुआ। सरकार जो उन लोगों के साथ है तो अपने बंद कर दो, नहीं तो नहीं हुआ फिर ये माफ। कोई अपना कोई रुपये माफ नहीं किया। क्या नाम है आपका? जुझार सिंह। क्या आपका ये जो आपने ये बिल ले रखा है बिजली वाला, ये क्या 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 कारण है? ये फार्म दो बार आवेदन लगा दिया मैंने, हाँ, माफ नहीं हुआ है। माफ नहीं हुआ तो राज्य सरकार ने जो बिल माफ किए थे उसमें आपका नाम आया था? नाम आया, दो बार नाम आया था, अभी तक माफ नहीं हुआ। अच्छा, दो बार नाम आ चुका है आपका, फिर भी ये बिल माफ नहीं हुआ। तो अभी आपका इस महीने का बिल कितना आया? अभी अपना ये 23600 ऊपर है। 23600, हाँ, इस कारण मैं बिल भरा नहीं, माफ हो जाए माफ हुआ ही नहीं। अच्छा, तो आपने इसकी एमपीबी की शिकायत की कि बिल बताया आपने? शिकायत करते हमने, अभी तक सुनवाई नहीं करते, माफ हो जाए, नहीं हुए अभी तक, नहीं हुए। और लाइन में ग्राहक परेशान कर रहे हैं।